गणतंत्र का अर्थ है जनता के द्वारा जनता के लिए चुना गया शासन। लक्ष्मी नारायण वाजपेयी नायब तहसीलदार अलीगंज जनपद एटा उत्तर प्रदेश की तरफ से समस्त क्षेत्रवासियों और देशवासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24, मैं हूं अंकिता सिंह। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस का एटा में भव्य शुभारंभ। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश में महिला किसान एवं युवाओं का विकास व सम्मान थीम पर आधारित जिला पंचायत प्रांगण में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आरंभ मुख्य अतिथि सांसद हरनाथ सिंह यादव द्वारा फीता काट कर माँ सरस्वती के चित्र पर माल्या पर दीप प्रज्वलित करके किया गया। साथ ही ब्रज प्रांत कार्यवाह राज्यपाल सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष संदीप जैन, मारहरा विधायक वीरेंद्र सिंह लोधी, जिलाधिकारी सुखलाल भारती, SSP सुनील कुमार सिंह, CDO अजय प्रकाश, SDM वित्त एवं राजस्व केशव कुमार, ADM प्रशासन विवेक कुमार मिश्र, DDO SN सिंह कुशवाहा आदि शामिल रहे। इस दौरान जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने कृषि विभाग, पशुपालन, स्वास्थ्य, बेसिक उद्योग, माटी कला, ICDS, सामाजिक वानिकी, नागरीय विकास, श्रम विभाग, ग्रामीण आजीविका मिशन आदि द्वारा लगाए गए जागरूकता स्टॉल का निरीक्षण किया। मुख्य अतिथि सांसद हरनाथ सिंह यादव ने कहा कि आज संपूर्ण प्रदेश भर में उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। प्रदेश का इतिहास काफी गौरवशाली रहा है। देश के राष्ट्रपति सहित अन्य महान विभूतियां उत्तर प्रदेश से ही हैं। साथ ही नए भारत के निर्माण में उत्तर प्रदेश की अहम भूमिका है। जिलाधिकारी सुखलाल भारती ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं, किसान एवं युवाओं का विकास करने के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे सभी का विकास होगा और सम्मान मिलेगा। SSP सुनील कुमार सिंह ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश का 71वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इसके साथ ही आज के दिन बालिका दिवस भी मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश से ही देश के 9 प्रधानमंत्री मिले हैं। उत्तर प्रदेश देश के विकास में अहम भूमिका निर्वाह करता है। उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर प्रस्तुत किए गए कार्यक्रमों की SSP ने सराहना की। मुख्य विकास अधिकारी अजय प्रकाश ने कार्यक्रम के अंत में सभी आए हुए अतिथियों का आभार प्रकट किया। प्राइम न्यूज 24 के लिए विकास दुबे की रिपोर्ट। नारे को साकार करते हुए आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और ये कार्यक्रम आज 24 जनवरी उत्तर प्रदेश के जन्म दिवस पर आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ये कार्यक्रम 3 दिन का है। गणतंत्र का अर्थ है जनता के द्वारा जनता के लिए चुना गया शासन। लक्ष्मी नारायण वाजपेयी नायब तहसीलदार अलीगंज जनपद एटा उत्तर प्रदेश की तरफ से समस्त क्षेत्रवासियों और देशवासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।